नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। खबर यूपी के बलिया से है, जहां धड़ल्ले से बियर, अंग्रेजी शराब और देसी शराब की बिक्री प्रिंट से अधिक दाम पर की जा रही है। और अगर सूत्रों की माने तो ये काम बहुत पहले से किया जा रहा है शराब ठेकेदारों द्वारा। जब अब तमाम तरह की ऐसी बातें हमारे संज्ञान में आई तो हमने हकीकत जानने की कोशिश की और एक खबर के उद्देश्य से हमारी टीम ने कुछ शराब की दुकानों का जायजा लिया तो वाकई में ऐसा काम किया जा रहा है। ये पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उभाव थाना अंतर्गत मालीपुर की है, जहां प्रिंट से ज्यादा रेट पर शराब की बिक्री की जा रही है। पहले तस्वीर देखिए। ललका दे दिया, ललका दे दिया। कहो कब यार, कैसा को भीड़ लगा देले बा? कहां भीड़ लगल बा? अरे बा, है जनता खड़ा भी है। रुपया हो रुपया भैया, ये तो 75 रुपया लिखल बा। कौ रुपया? 80 रुपया दो ना ललका, हनुमा तो 85 को दे दो। 80 रुपया दो ना ललका, हनुमा तो 85 को दे दो। 80 रुपया दो ना ललका, हनुमा तो 85 को दे दो। तीन दीजिएगा। हल्का है ना? हाँ हल्का। कितने रुपये? 4.5। कितना? 4.5। कौन क्या है? 150 150 तीन चाहिए ना? 4.5 वो हाथ निकाल, हाथ निकाल। हाँ प्रिंटो सो भर में कला 40 से लिया प्रिंट ना मिल रहा। ठीक, दूसरी तस्वीर इसी थाने के अंतर्गत शाहपुर तेलमा की है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन थी, इसे भी देख लीजिए। तो प्रिंट पर बा 70 ले 55 होगा तब तो कभी कहे ना डेढ़ लो 70 ले 55 बा और जगह 60 70 और जगह 60 70 बा तो कहे कम बेचा था तो कम बेचा था मैं कहे भेज के कहे कितने हाँ ज़्यादा कहाँ कहीं पद में कम के लिए ज़्यादा कहाँ कहीं तब तो वही तो 45 ही बता। हाँ तब वो अभी सबके लिए बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। तो 55 का देवो? 55 का देवो अब ऐलान में था। हाँ चार दिन से नया तीन चार को दे दो। हमने अपने पड़ताल के अंतर्गत ये भी जाना कि केवल यही नहीं, पूरे जिले में ये काम धड़ल्ले से चल रहा है। क्योंकि हमने शराब की दुकानों पर बैठे दुकानदार से बात की तो उस दुकानदार के ही द्वारा हमें ये पता चला कि ये काम हर जगह चल रहा है। तो ऐसे में देखा जाए तो वाकई में शराब के ऐसे ठेकेदारों द्वारा शराब सेवन करने वाले लोगों की जेबें काटे जा रही है। जो शराब की शीशियों का प्रिंट है उससे ज़्यादा रेट पर शराब की बोतलें बेची जा रही हैं, चाहे वो बियर हो, चाहे देसी शराब या अंग्रेजी शराब, सभी के दामों से अधिक दाम पर बेचने का काम किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण को जानने के लिए हम बात करेंगे सप्लाई इंस्पेक्टर अनुराग सिंह से, जो इस वक्त बलिया से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, हमें ये बताइए कि बलिया में कुछ दुकानों का हमने खबर के माध्यम से एक पड़ताल की तो पता चला कि शराब हो या बियर सभी प्रिंट से ज़्यादा रेट पर बेचे जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है तो बताइए कहाँ पे है, हम जाके चेक करते हैं। देखिए, हमारे पास जो वीडियो है उसमें एक मालीपुर से वीडियो है और एक शाहपुर तेलमा की वीडियो है, जिसमें बिंदास बिंदास हाँ बिंदास बोला जा रहा है कि हर जगह इस तरह से काम चल रहा है, जहाँ की 75 रुपए अगर लाल शीशे के दाम है तो 85 में बेचा जा रहा है, 90 से बेचा जा रहा है, बियर की कीमत अगर 120 है तो 140 में बेची जा रही है, 140 है तो 150 में। क्या है सर, मतलब ऐसा है तो फिर आपके द्वारा ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है या फिर कब तक लिया जाएगा, मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, एक्शन लिया जा रहा है, बीच बीच में हम निकल रहे हैं, देख रहे हैं दुकानें। फिलहाल अनुराग जी, ये लगभग 3 दिन, इसके पहले हमारे रिपोर्टर ने भी आपसे बात कर चुके हैं लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल आपकी प्रक्रिया जानना चाहता हूँ कि मतलब क्या अगला एक्शन क्या होगा, आपका होगा या नहीं होगा, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं एक्शन होगा, क्यों नहीं एक्शन होगा? कब तक मान लिया जाएगा कि तो जानकारी मिल रही है, जैसे जैसे एक्शन हो रहा है लोग थोड़ा संसाधन विहीन हो गए हैं, गाड़ी एक ही है पूरे बलिया में। अच्छा, इसीलिए हम लोग निकलना है तो कभी इधर कभी उधर, अब जान रहे हैं बलिया के एरिया छोटा तो है नहीं जी, और हम लोग निकल रहे हैं लगातार, उसी से डीओ साहब भी चलना है, उसी से हम तीनों इंस्पेक्टर पूरे बलिया को देखना है जी, तो तत्काल में पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग बार बार निकल रहे हैं, दुकानें चेक कर रहे हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब, यानी कि आपके कहने का मतलब अनुराग जी ये है कि अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है। हाँ ऐसा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर ऐसा आपके मामले में संज्ञान में अगर ये मामला आया तो आप उस पर एक्शन लेंगे या कार्रवाई करेंगे? एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ, जो कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी जी।
चलिए ठीक है अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने सुना कि सप्लाई इंस्पेक्टर अनुराग सिंह ने कहा कि अगर ऐसा है तो एक्शन लिया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में कार्रवाई होगी या फिर वही अंगों की तरह रटा रटा बयान भी रह जाएगा। फिलहाल हमारा काम था सही समाचार दिखाना, लेकिन आगे हम ये भी आपको दिखाएंगे कि ऐसे शराब बेचने वालों के ऊपर इनकी कार्रवाई का क्या असर हुआ है।